ऐसी खतरनाक सुपर सीक्रेट ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसको देखने के बाद आपका माइंड और कच्छे दोनों के दोनों फट जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमारे गेम के अंदर न्यू कटाना ब्लेड आई हुई है, जिसको आप लोग शैडो ब्लेड के नाम से भी जानते हो। उसका इतना खतरनाक यूज है, अगर आप पूरी स्क्वाड के साथ खेल रहे हो, जिसको देखने के बाद ना आपकी आंखें भी फटने वाली है। तो सबसे पहले जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लेना ऑल पे सेट। और आज का गेम प्ले भी उस ट्रिक की तरह ही कच्चे फाड़ होने वाला है। फिलहाल के लिए हम प्रिजन वाले इलाके पे उतरे। अब यहाँ पीछे के साइड में एक नंगे बंदे को मारने के लिए आया, जिसके पास गन नहीं थी, और वहां पीछे के साइड देखा कि मेरे दोनों नंगे टीममेट्स को भाई बंदों ने भर दिया। अरे नहीं, वो देख इधर से एक आ रहा है, उधर से एक आ रहा। तो ऊपर छत में आके जिस बंदे ने मारा था मेरे टीममेट्स को, उसको मार के मैंने नंगा कर दिया। तो भाई बहुत हो गया ये नंगापन। अब यहाँ पे लूट वगैरह करी मैंने, मेरे टीममेट्स भी आ ही रहे थे, तभी नीचे की साइड से एक और बंदे की फुट से मैं गया। इसको भरा बाहर से एक और बंदे को, इसको भी भरा। अब यहां पे मैं वेट कर रहा था कि मेरे टीममेट पहुंच जाए, देन उसके बाद आगे के साइड रस करते हुए। तो जैसे यहां पे मेरे टीममेट आ गए, पीछे के साइड यहां पे एक और बंदा आया। भैंस की टांग भाई, जैसे ही मैं अंदर गया इसने कटाना का एक शॉट मारा और मेरी एचपी देखो कितनी बची। बाय द वे ये हमारा जो गेम है, ये ट्रिक जो है मैंने 19 जनवरी को रिकॉर्ड कर ली थी, और बीजीएमआई का अपडेट आने का वेट कर रहा था कि जैसे बीजीएमआई का अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग को ये वाली ट्रिक बताऊंगा, ताकि बीजीएमआई और ग्लोबल दोनों में ये ट्रिक यूज कर पाए लोग। तो ये गेम प्ले मेरा 10 दिन पुराना है गाइस, लेकिन गेम प्ले बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मार पिटाई करी। और ऊपर से एक बंदे के फुट्स आ रहे थे उसको मारने के लिए आया, लेकिन वो बॉट एंगल निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके ऊपर एक असली बंदा आ जाता है। तो यहाँ पे इस बंदे की पेटी बनाई। अब सामने वाले हिल के साइड से भी बंदे फायर कर रहे थे, तो मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि एक काम करो, मैं पीछे से बग्घी लेके जाता हूँ और तुम लोग धीरे से आ जाओ ऊपर की साइड। यहाँ पे जैसे मैं आया नीचे, मेरे बंदों पे एक अलग बंदा आ गया और यहाँ पे एक अलग बंदा। अब इन भाई साहब को मैंने नॉक किया, मेरे टीममेट दूर थे, तो यहाँ पे अगर भाई कोई सांप मेरे को डस लेता तो दिक्कत हो जाती, तो मैं डायरेक्ट बग्घी लेके गया और इस नॉक वाले बंदे को फिनिश नहीं किया। सबसे पहले तो मैं गोल गोल यहाँ पे बग्घी घुमाता हूँ कि भैया और कोई तो नहीं है, फायर वायर कर लो अभी, नहीं तो तुम्हारे टीममेट को कुचल के मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे जब कोई फायर नहीं करता तो मैं उस बंदे के पास जाता हूँ, इसकी पेटी बनाता हूँ और इसको लूट वगैरह करके फिर निकल पड़ते हैं हम लोग गाड़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे बग्घी तो हम लोग वहीं छोड़ देते क्योंकि पलट गई थी, और बाइक लेके निकलते, सामने फायर हो रहा था। और ये रही भाई कटाना की सुपर सीक्रेट ट्रिक। सबसे पहले तो बाइक में देख लो, अब आप लोग बोलोगे ये कैसी सुपर सीक्रेट ट्रिक थी। तो भाई बाइक से स्पाइडर उतर गया था इसलिए वो थोड़ा सा फेल हो गई, लेकिन अभी मैं कार में आप लोग को कुछ ऐसा करके दिखाने वाला हूँ ना, जिसको भाई देख के आप लोग बोलोगे भैया आज से अपन पूरी स्क्वाड के साथ ऐसे ही बंदों पे रस करने वाले। फिलहाल के लिए सामने वाले बंदे को भरा एंड यहाँ पे हील वगैरह करके लूट वगैरह करके विक्की की साइड जाके उसको लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सामने जा रहे थे गैराज से गाड़ी लेने, तभी भाई साहब जैसे जा रहे थे मैं तुरंत एग्जिट करता हूँ, सामने बंदा दिखा उसको नॉक किया मारा।
मैंने बोला गाड़ी लेके आओ, इसके टीममेट आई थिंक सो नहीं है, अकेला ही है ये बंदा। हम लोग डायरेक्ट जाते हैं और तभी भाई टीममेट्स की देखो हीरो वाली एंट्री। नहीं मतलब देख रहे हो भाई, बंदा धूम 69 मूवी देख के आया, आया ड्रिफ्ट मारी भाई और आके प्रोन होके यहाँ पे नॉक हो गया। मतलब तुमको क्या लग रहा था प्रोन होके भाई नॉक कर देगा, प्रोन होके नॉक हो गया। अब उसके बाद मैंने बोला इसके टीममेट को उठा के लाओ, उसको भी यहाँ पे कटाना से भरते हम लोग। तो यहाँ पे इन दोनों बंदों की पेटी बनाई हम लोगों ने। देन उसके बाद यहाँ पे यूएस मिली, मैंने अपने टीममेट्स को बोला हाथ पे कटाना रख लो, सामने की साइड बंदे स्पॉट हुए, मैंने बोला कटाना रखो हाथ पे कटाना रखो। और यहाँ पे पहली बार हम लोगों ने स्ट्रिक का यूज किया, आप देखो स्ट्रिक का जलवा। भाई साहब एक गोली नहीं लगी हम में से किसी को। सारी की सारी बुलेट्स यहाँ पे चलती गाड़ी में कटाना से ब्लॉक कर ली। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स बताना आप में से कितने लोगों को ये ट्रिक पता है, कितने लोगों को नहीं पता है। लास्ट ले आखिरी बंदा बचा, मैंने बोला कटाना रखो हाथ में। एंड यहाँ पे जैसे भाई उसकी गन रिलोड पे जाने वाली थी, मैंने एग्जिट किया, उसकी कुछ बुलेट्स मुझे लगी और वो बंदा हो गया नॉक। और इसी के साथ ये वाला क्लच आप लोगों को कैसा लगा, ये वाली ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और उनको बोलना कि चल भाई आज हम भी ट्राई करते हैं गेम के अंदर ये वाली ट्रिक। अब उसके बाद हम गाड़ी लेके यहाँ आए और यहाँ पे हमारी गाड़ी का फ्यूल ही खत्म हो गया। अब जिन लोगों को भी ये ट्रिक के बारे में मालूम है तो BGMI में अपडेट आने के बाद आई थिंक सो मालूम चला होगा, लेकिन ये जो हमारी ट्रिक है इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था 19 जनवरी को और इसको आई थिंक सो टॉप 10 ट्रिक वाली वीडियोस पे भी मैंने बताया नहीं बताया आप लोग कमेंट में बताना। फिलहाल के लिए यहाँ पे पीछे स्पाइडर गया था गाड़ी लेने के लिए और उसके पीछे एक बंदा आ गया। मैंने बोला भाई गाड़ी में बैठो चलो डायरेक्ट इसका पीछा करने के लिए। अब यहाँ पे उसको ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पे आए और ड्रॉप के पास हमको एक बंदा स्पॉट हुआ। ड्रॉप पे पागल है। अब बग्घी वाले बंदे को अच्छा खासा डैमेज किया हमने, लेकिन उसी टाइम पे जैसे मैंने स्प्रे दिया उस पर एक ग्रेनेड आया और यहाँ पे हमें देखो बंदे दिखाई दिए ऊपर वाले घर पे। अब यहाँ पे जब बंदे थे मैंने कहा गेम प्ले बने ना बने डजंट मैटर, चलो भाई हाथ में कटाना पकड़ो और इसका अब हम लोग यूज करने वाले हैं। सुपर सीक्रेट ट्रिक इज हियर और ये रहेगा इस गेम की सबसे खतरनाक ट्रिक। ले भाई साहब दो बंदे थोड़ा स्लो करता तो डायरेक्ट गाड़ी छत के ऊपर लैंड करती और कटाना से हम लोग बच भी जाते। भैंस के टांग यहाँ पे जो बचे हैं ना भाई ये DBS वाले बंदे से मैं जो प्रोन हुआ हूँ उसके बाद स्पाइडर ऊपर से आया तो बंदा कंफ्यूज हो गया, नीचे चलाऊं ऊपर चलाऊं, उस चक्कर में इसने सारे बुलेट अपनी वेस्ट कर दी और उसके बाद हमने इसको भर दिया। अब यहाँ पे पीछे से उसके टीममेट्स भी आया, बंदा फुल पैनिक भी हो गया था भैया ये गाड़ी उड़ा के रस कर रहे हैं कौन लोग हैं कहाँ से आए हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पे उसके टीममेट्स को मारना पड़ेगा गाइस, बदला लेने के लिए वो पीछे के साइड पहुंच गए और यहाँ पे विक्की भी बच गया। अब स्पाइडर ने मार दिया कि वहां हिल पे गाड़ी पे एक बंदा लेटा हुआ है। अब उस बंदे को हम मार ही रहे थे कि भैया पास वालों ने अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज किया, 10 HP बचा मैं। अब ये बंदे यहीं पे बैठे हुए थे, 1 मिनट के अंदर जोन भी शुरू होने वाला था। मैं यहाँ पे कटाना हाथ में लेता हूँ, भाई फायर कर फायर कर। अब दोनों बंदे एक लेफ्ट में चला गया था और एक राइट में चला गया था। मैं यहाँ पीछे की साइड जाता हूँ और यहाँ पे पीछे की साइड जाके ऊपर जा रहा था तभी पीछे से बग्घी दिखाई दी।
बग्गी नहीं थी, वो एक कार थी। मैं यहाँ पे पीछे की साइड आता हूँ, वेब शूटर लगा के छत पे, तो अभी यहाँ पे राइट साइड वो प्रॉक्सी लगा के बंदा आता हुआ दिखाई दिया मुझे, वहाँ पे वो दिख रहा था, वो पीछे बैठा हुआ था प्रॉक्सी लगा के, लेकिन यहाँ पे आर पार तो मार नहीं सकते थे, मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉक्सी फोड़ दी। अब यहाँ पे मैंने तुरंत प्रॉक्सी लगाई और उसके बाद सोचा कि जाके इन बंदों की पोजीशन देखता हूँ या फिर ये बंदे मारने का ट्राई करेंगे तो कहाँ कहाँ पे हैं ये पता चल जाएगा। मैं देख रहा था कि जोन भी काफी दूर है। अब यहाँ पे दोनों बंदों की पोजीशन पता चल गई मुझे, एक ऊपर बैठा था और एक लेफ्ट साइड रिज पे था। मैंने बोला कि कोई अब आगे मत जाना, यहीं पे रहना, नॉक मत होना क्योंकि जोन अभी शुरू होने वाला है। गाड़ी मैंने बोला स्पाइडर को कि पीछे ला दे गाड़ी घर के। अब वो लेफ्ट वाला बंदा राइट में आ गया पूरा रोटेशन देके, लेकिन रिच के कवर में था जिसके कारण मैंने उसको टैप टैप करके मारने का ट्राई किया, लेकिन भाई उसको बुलेट सी नहीं लगी। अब यहाँ मैंने बोला कि भाई उधर से निकल आ, निकलो जल्दी आ जाओ जोन पे। अब वो बंदे जोन के बाहर थे लेकिन जोन इतना भी डैमेज नहीं दे रहा था। एक बंदा जोन से नॉक हुआ और ये वही बंदा है जिसको मैंने मारा था। हवाई भैया को हवाई में पहुंचाया, इधर साइड से फायर आया था तो मैं इधर ही आया। सामने बंदा उधर चली गई। अब यहाँ पे सामने साइड स्पाइडर को बंदे स्पॉट हुए, मैंने पीछे वाले बंदे को भर दिया। अब हमें लगा जोन के बाहर आई थिंक वो सारे बंदे फिनिश हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो नॉक वाला बंदा था जिसको मैंने फिनिश किया था, इसका मतलब पीछे की साइड अभी उसके टीममेट्स भी थे। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं। अभी हमारे अलावा यहाँ पे 7 बंदे और अलाइव थे इस छोटे से सर्कल पे। अब यहाँ पे पीछे वाले घर में बंदे हमें लग रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना एक बार पीछे के साइड क्लियर कर लिया जाए पूरा का पूरा। तो हम यहाँ एच टू एस जोन के बाहर से गाड़ी घुमाते हैं। यहाँ पे अब कोई भी नहीं था और तभी पीछे के साइड एक बंदा स्पॉट हुआ। अब इसको जैसे नॉक किया भाई, गाड़ी चढ़ाई तो ये फिनिश नहीं हुआ, नॉक हुआ और यहाँ पे बग्गी लगा के कोने पे बैठा हुआ था। जैसे ही जोन चालू होगा वैसे ही जोन के अंदर जाएगा, लेकिन भाई हमको ये बंदा स्पॉट हो गया था जब ये बग्गी लगा रहा था यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे इस बंदे को नॉक फिनिश करके निकलते हैं, जोन के अंदर जाते हैं। अब लेफ्ट साइड से मैं गाड़ी घुमा रहा था और तभी सामने एक और बंदा स्पॉट हुआ। एंड लो भाई साहब, पीली वाली झाड़ी में लेटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसकी भी हम लोगों ने पेटी बना दी। अब यहाँ पे हमारे अलावा 4 और बंदे बचे हुए थे। हिल के साइड गाड़ी स्पॉट हुई हमको, मैंने अपने टीममेट्स को बोला कटाना निकाल लो, लेकिन भाई ये एक बंदा चलो मारो 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 जोन के बाहर बग्गी लगा के रखा हुआ था और यहाँ पे विक्की ने कटाना हाथ में ली हुई थी, लेकिन भाई साहब उस बंदे ने फिर भी उसको नॉक कर दिया क्योंकि कटाना की सील्ड एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक दो बंदे जोन से मर गए और सामने एक और बंदे को भर दिया और इसी के साथ विनर चिकन डिनर। तो गाइस आज के गेम प्ले में ये सुपर सीक्रेट ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी, जहाँ पे आप कार पे बाइक पे बैठ के कटाना एक जन लिए रह सकते हो और उसके बाद किसी भी स्क्वाड पे पुश कर सकते हो, सामने बंदे अगर आपको मारते हैं तो आपको बुलेट्स नहीं लगेंगी।
अगर वो बुलेट सबसे पहले आपके कटाना वाले टीममेट को लगी तब वो कटाना ब्लॉक स्टार्ट कर देगी। तो मिलते हैं कौन है कमाल के गेम प्ले में। डेविल्स इंसान आ रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।